बेसिक सपोर्ट भी रखे हैं, मिडलाइन ओरिएंटेशन भी रखे हैं सही, और मैं इसमें जो है वो स्टैंडिंग करवा सकता हूँ क्योंकि मसल टोन कम है, मैं इसको सिटिंग में करवा सकता हूँ ठीक है। तो मैंने ये पोजिशन चूज़ की है, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्चुअल हैंड ओरिएंटेड रिस्पॉन्स रखा हुआ है, जितना आप पीछे लेके जाते हैं उतना लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट होगा, जितना आप पीछे लेके जाओगे उतना जो एक्सटेंशन में जाएगा, सर की तरफ देखो, जितना आप पीछे लेके जाओगे उतना एक्सटेंशन में जाएगा, तो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए बैठ तो और पीछे चले जाएगा ठीक है। इसके साथ जो है मैं पुश करवा सकता हूँ, उस पर जोर दीजिए। अब मैंने जो है वो एक्सटेंसर्स को ट्राइसेप को फैसिलिटेट कर रहा हूँ और उसको पिंच करके पिंच एंड रोल कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और मैं फ्लैक्स करूँगा, जोर लगाऊँ, गुड वेरी गुड। तो मैं वेट सब वेट के साथ बॉडी वेट के साथ एक्सटेंसर्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉन्टेक्चुअल हैंड ओरिएंटेड रिस्पॉन्स के साथ ये पुश करवा के रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही। अब हाथ को पुश कीजिए, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अगर एल्बो की एक्सटेंशन होगी तो क्या होगा, एल्बो की एक्सटेंशन होगी तो कौन से मसल स्टैंड होंगे, ट्राइसेप के लिए। और ये अगर मैं पुश कर रहे हैं तो इसके साथ मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बैक मेजर को भी यूज़ कर सकता हूँ अडक्शन में, फ्लेक्शन एंड अडक्शन के साथ, जिस डायरेक्शन में मूव करूँगा उस डायरेक्शन के जो है मसल्स इन्वॉल्व होंगे। शोल्डर के लिए यूज़ कर सकता हूँ, एक तो ये तरीका है। दूसरा जो है आप अब आप तो इसमें एल्बो के लिए कर रहे थे, अगर मैं करना चाहूँ लोअर लिम से रिलेटेड कौन से मसल्स के लिए करना है बताएं, एक तो ये है कि आपने जब क्वेश्चन आपके पास लार्जर बेसल सपोर्ट पे है तो आप सुपाइन में इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने बैली को जो है वो फैसिलिटेट वहाँ पर पिंच कर रहे थे, यहाँ पर जो है आप इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे बैली को। और ये मैंने डॉर्सिफ्लेक्स करूँगा तो फ्लेक्शन होगी, और प्लांटर फ्लेक्शन करूँगा तो मैं एक्सटेंशन कर सकता हूँ ठीक है। तो मैंने प्लांटर फ्लेक्शन किए और इसको फैसिलिटेट किया और उठाइए, गुड वेरी गुड, वापसी नीचे। अब जब मैं फ्लैक्स करूँगा तो इसको डॉर्सिफ्लेक्स कर रहा हूँ, उठाइए, और यहाँ से मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बैली को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होगी, वेरी गुड, उठाइए उठाइए, जोर लगाएं। अब ये देखें इनहिबिटरी पैटर्न भी यूज़ किए जा रहे हैं और फैसिलिटेशन भी की जा रही है, यहाँ से मसल को वर्बल कमांड भी यूज़ की जा रही है। अगर कोई बेस ऑफ सपोर्ट चेंज लग रही है आपको पेशेंट की तो बेस ऑफ सपोर्ट को भी आप सही करेंगे ठीक है। बॉडी वेट शिफ्ट हुआ हुआ है अलग तो बॉडी वेट को भी आप शिफ्ट करेंगे, ये हो गया सुपाइन में। अब सिर्फ अब आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं, खड़े होइए, सिटिंग में वैसे ही ये फ्लेक्शन आप कर रहे हो, फैसिलिटेट करो बैली को साथ में, वही आप कुछ मूवमेंट करेंगे सिटिंग में जैसे आप करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इधर रखिए पॉइंट, अब आपने लंच करवाना है, आप अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो आप सपोर्ट दे सकते हैं, चेयर की सपोर्ट दे सकते हैं, अगर खड़ा हो सकता है आप उसको ऐसे ही खड़ा करवा सकते हैं, थोड़ा सा और पाँव आगे रखें यहाँ पर ठीक है, लंच के लिए, गुड गुड गुड, वापसी। जब एक्सटेंशन में जाएगा तो कॉर्डिसेप टाइट होगा। अब ये देखें फ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है, डॉर्सल फ्लेक्स हो रहा है, ये भी फ्लेक्स जा रहा है साथ में। अब जब वो एक्सटेंशन प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है तो ये भी एक्सटेंशन में जा रहा है, जैसे हम वहाँ कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और आप यहाँ पर जो है पिंच एंड रोल करके इसको जो है स्टिमुलेट करेंगे कि पेशेंट को फील हो गया इसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, गुड, सीधा कीजिए, वेरी गुड, और आगे कर लीजिए, और आगे करवा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जो अभी लोड यहाँ पर ज़्यादा होगा रेंज भी आपको ज़्यादा मिलेगी, जितना आप आगे जाएंगे उतनी ज़्यादा रेंज मिलेगी और उतना ज़्यादा लोड होगा। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप स्टार्ट करें कम कम स्टैंड से, कम स्पेस से भी उसको जो है स्टेप लेंथ बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट ठीक है। ये हो गया, और ज़्यादा लोड देना चाहें तो आप एक पाँव स्टेपर पर रखवा सकते हैं, स्टेपर चेयर ले लो। क्वालिफिकेशन है कि आप जो है अगर और ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो आप स्टेपर रखवा लें, एक पाँव पर रख लो,
अब बॉडी वेट शिफ्ट हो गया सारा राइट साइड में, जिसमें आपने स्ट्रेंथन करना है पाँव को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सही। आप सपोर्ट ले सकते हैं, फिर उसके बाद गुड जाने दो, वेरी गुड। अब बॉडी वेट जो है आपका राइट साइड पे, ये उन पेशेंट्स को करवाना है जिसके आप लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, उन पेशेंट्स में आप यूज़ करेंगे स्टैपर के साथ। स्टैपर की लेंथ कम कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, इतनी रखते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप कर सकते हैं। मैं जो है वो पाँव भी यूज़ कर लेता हूँ अपना, यानी मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके पाँव भी यूज़ करता हूँ, उसको फ्लैक्सिबल करवाता हूँ। देख लें खड़े होके थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है वन लेग स्टैंड के साथ कर रहे हैं हम। अब इसी पोजीशन में अगर मैं चाहूँ तो टिबियलिस एंटीरियर को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन टिबियलिस एंटीरियर मूवमेंट यही होगी, आपको फैसिलिटेट उस मसल को करना होगा क्योंकि कंबाइंड मूवमेंट होगी। जब टिबिया आगे जा रहा है तो टिबियलिस एंटीरियर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले लार्जर टेबल सपोर्ट में आपको बताता हूँ मैं, टॉवल है वहाँ पर, ऐसे आप टॉवल रख लीजिए, ठीक है। ये स्टर्नम पे होगा, इसका जो प्लांटर सरफेस है स्टर्नम पे होगा आपके, टॉवल रख लिया ये। और आपने इस तरीके से फैसिलिटेट करना नीचे की तरफ और उसको बोलना चलो पुश करो, गुड। फिर दोबारा बेटा प्लांटर फ्लेक्शन करने है, पुश करने है मेरे स्टर्नम को, ठीक है क्या। चलो दोबारा पुश करो, अब मैं डाउनवर्ड पुश कर रहा हूँ इसको बैली को, और ये जो है वो प्लांटर फ्लेक्स कर रहे हैं, वेट किया हुआ रेजिस्टेंस दिए, चलो पुश करो। अब यहाँ पर जो है प्रोप्रायोसेप्शन जा रही है और वो पुश कर रहे हैं, प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर हैंड भी रख लेता हूँ, जब मुझे लगता है एक हाथ से मैं कर सकता हूँ तो मैं हैंड रखता हूँ, चलो उठाओ, गुड 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 गुड, वेरी गुड, अगेन अगेन अगेन, ठीक है। ये समझ में आ गया, इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, गुड, ठीक है। ये आपने काफ के लिए कर लिया, अब हैमस्ट्रिंग के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए रिलैक्स हो तो जैसे आप नी को कर रहे थे उसी तरीके से हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, आप जब इसको डॉट से फ्लैक्स करोगे और फ्लैक्शन दो यूज कर सकते हैं, उठाइए दोबारा डॉट से फ्लैक्स करवा रहे हैं, ठीक है। नी फ्लैक्शन को यूज करने के लिए डॉट से फ्लैक्स को आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना कोई इश्यू नहीं है। फ्लैक्शन को ये क्या रीइंफोर्समेंट मिलती है इसके साथ, पैटर्न ब्रेक करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करो ऐसे ही हो रहा तो आप ऐसे ही करवाएं। हैमस्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉर्डिसेप्स की इनहिबिशन करनी है, सीधा लेटो। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉर्डिसेप्स बहुत ज्यादा स्टिफ है, आपको ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉर्डिसेप्स की करवानी है और कंसेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हैमस्ट्रिंग की करवानी है आपको, यहाँ पर तब आप सुपाइन में यूज करें। सुपाइन में यूज करते हुए आप इसके साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब अलाउ करें मोड़े घुटने को, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हमारा फोकस इसेंट्रिक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में होता है जब हम सुपाइन में कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ जो है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दूसरी जगह पर हो रही होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज सुपाइन में जो है एक पाँव बाहर निकाल के बाहर आइए, अगर आपके पास पेशेंट है तो आप यूँ करें, ठीक है, और जब नहीं कर रहा है तो उसको यूँ करें, इसको सीधा करें और यूँ, ठीक है। अब मैंने डॉसी फ्लैक्शन दी, नी को फ्लैश करो, गुड गुड गुड, सर तो नीचे रखो, गुड। यहाँ पर आप एक्सटेंसर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो वापसी लाते हुए ना, अब मैं जब डॉसी फ्लैश करूँगा तो नी को फ्लैश करूँगा, प्लांटर फ्लैक्स करूंगा, नी को एक्सटेंड करूंगा, तो आप नी की जो है वो इसेंट्रिक कंसेंट्रिक दोनों कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करवा सकते हैं इस पोजीशन में। डॉग से फ्लैक्स करूंगा, नी को फ्लैक्स कर रहा हूँ, प्लांटर फ्लैक्स, गुड, घुटना मोड़िए, वेरी गुड, चलो सीधा कीजिए। अब ये जो है वो विदाउट जो है एंटी ग्रेविटी पैटर्न को चेंज करते हुए ये कहते हैं ना पैटर्न इनिबिशन यूज करके,
तो आप इनिशियल यूज करके कॉर्डिसेप्स की इनिशियन करवा रहे हैं और एक्टिवेशन करवा रहे हैं, उसके साथ हैमस्ट्रिंग की इनिशियन और एक्टिवेशन हो रही है दोनों ही। तो मेनली ये जो है वो कॉर्डिसेप्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कॉर्डिसेप्स जो है वो उससे हो जाता है लेंथ टाइट कर लेता है, इंटरनल रोटेशन में स्ट्रेट कर लेता है। ग्लूटिस मैक्सिमस को इम्प्रूव कर सकते हो। ग्लूटिस मैक्सिमस के लिए आप दूर रख लीजिए, आप टू क्लाइंब पोजिशन में, ठीक है। यहाँ से मैंने होल्ड किया एंटी एलिंग स्पाइन के हिप को पूरा होल्ड किया हुआ, यहाँ से की पॉइंट ये की पॉइंट यूज किया हुआ, मैं पेशेंट को घूमा चले लिफ्ट करें इसको, वेरी गुड। वापस नीचे अगेन, इसमें डायरेक्शन में चेंज करवा सकता हूँ और होल्ड करवा सकता हूँ, होल्ड करके रखिए, ठीक है ठीक है। स्लोली नीचे लेके जाइए, रोक रोक के, गुड गुड, बात चीत करिए नीचे। मुझे जो है सिर्फ रीइंफोर्समेंट देनी है। अब अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा पावर देनी पड़ रही है या फिर पेशेंट का थाई बहुत ज़्यादा मोटा है, पैल्विस बहुत ज़्यादा मोटा है, मैं यहाँ से नहीं पकड़ सकता, तो मैं इस जगह से भी दे सकता हूँ, वेरी गुड 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 गुड, ठीक है। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप पुल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो पेशेंट के लिए यहाँ पर कम जो असिस्टेंस देनी है। Got it? Yes, sir. ये जो मूवमेंट है ये ग्लूटिस मैक्सिमस को भी इम्प्रूव करेगी, ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को भी डेवलप करेगी, कॉर्डिसेप की सीवियरिस एंटीरियर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए उठाइए, ये मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दे रहा हूँ और फैसिलिटेशन भी दे रहा हूँ, उठाइए और मैं टिबियलिस एंटीरियर को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, पेंशन रोल कर रहा हूँ। तो इससे आप टिबियलिस एंटीरियर को भी यूज कर सकते हो, ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हैमस्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर भी डेवलप होगी। ओवरऑल अब जिस मसल पे करना है वहाँ पर आप फैसिलिटेट करें ताकि उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें। ये देखें यहाँ पर मैं फैसिलिटेट करूँगा, चलिए उठाइए, गुड सही, ताकि सेंसरी इनपुट जाए उस मसल पे कंसंट्रेशन करें वो अपना पेशेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मैं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, किसी भी एरिया में रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपने मूवमेंट के समझते हुए जो है वो रेजिस्टेंस और फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है। तो ग्लूटिस मैक्सिमस को आप इस पोजीशन पर भी कर सकते हैं, आपने स्टेपर रख देंगे नीचे, आप इस पोजीशन पर स्टेपर रख देंगे, ठीक है। पेशेंट को कहेंगे पुश करेंगे, पुश करो, एक को रेस करो, प्लांटर से नहीं पूरा नीचे, गुड। इसका मतलब जोर नहीं लगाओ, खाली इससे जोर लगाओ, गुड। अभी आप उसको टच करके देख सकते हो ग्लूटिस मैक्सिमम साइड हो रहा है, तो ये पोजीशन यूज की जा सकती है। इससे यहाँ पर ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो इलियस ऑस है यहाँ पर ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगी, और जो अपोजिट मसल है वहाँ पर कंसेंट्रिक। ऐसे ही आप ग्लूटिस मैक्सिमस को करवट में कर सकते हैं, अगर पेशेंट है सुपाइन नहीं ले सकते आपके पास करवट है और आप जो है चेंज नहीं करना चाह रहे हो मूवमेंट को, तो आप उसको साइड लाइन में लेटाएं अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, ठीक है। इस तरीके से पावर रखा हुआ आपने, ये की पॉइंट यूज किया एंगल को, चलिए पीछे लेकर आइए, गुड 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 गुड, वेरी गुड। और ऊपर डायरेक्शन चेंज कर कर से आप जो है वो ऑब्जेक्ट लेके जाए, रिपीट कराएं डिफरेंट डायरेक्शन में, गुड गुड गुड। पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है एक की पॉइंट से, तो आप दो की पॉइंट यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अब होल्ड करवाया इसको, अब अगर आपको इसके साथ ग्लूटिस मीडियस को ऐड करवाना है तो आप इसमें लैटरल रोटेशन ऐड करवा देंगे, ठीक है। आप गुड घुमा पाओ, वेरी गुड, चलो ऊपर 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 घुमाओ, वेरी गुड, चलो ठीक है जी। लैटरल रोटेशन मैंने ऐड करवा दी ग्लूटिस मीडियस के लिए, ये आपके पास हो गया। तो ग्लूटिस मैक्सिमस की कुछ चीजें बताएं, और सिट टू स्टैंड में भी फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग को ग्लूटिस मैक्सिमस को। अगर आप बाहर की मूवमेंट ले रहे हैं यहाँ तक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ये डायरेक्शन में अगर आपने बाहर की तरफ मूवमेंट निकाली और अगर आपने अंदर की मूवमेंट की तरफ जाना है तो इस डायरेक्शन में कर सकते, ठीक है। इस तरीके से जो आप डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में आप लिम्ब को इम्प्रूव कर सकते हैं। इलियस ऑस के लिए क्या कर सकते हो आप,
डॉक्टर एक्सपीरियंस। चलो गाओ गाओ गाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप बायलैटरल कर सकते हैं। चलो गाओ 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 गाओ। वेरी गुड गाओ गाओ गाओ। आप सिटिंग में कर सकते हैं। बैठो स्टार्ट टू बैठो। पाँव बाहर कर दो। आप पीछे आ जाइए इसके नीचे नीचे। गुड गुड गुड। आप डॉक्टर मसल्स ले लें, वीडियो सॉस ले लें। चलिए खाइए खाइए खाइए। वेरी गुड। आप साथ में देखो सही खाइए। गुड 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 गुड। ठीक है।